सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच दूसरे टी20 मुकाबले से जस्ट पहले टीम इंडिया को लगा है काफी तगड़ा झटका, क्योंकि टीम इंडिया के जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन इंजरी की वजह से श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, अब संजू सैमसन न तो दूसरे टी20 मुकाबले में खेलेंगे और न तीसरे टी20 मुकाबले में खेलेंगे। अब संजू सैमसन की जगह पर टीम में एक नए शानदार खिलाड़ी को शामिल कर लिया है, जो कि बीसीसीआई ने ऑफिशियल तौर पर संजू सैमसन का रिप्लेसमेंट घोषित कर दिया है इस तीन टी20 मैचों की सीरीज के लिए। जहां संजू सैमसन के बाहर होने के बाद टीम में पहली बार जितेश शर्मा को शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि जितेश शर्मा एक जबरदस्त यंग टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जो काफी शानदार हिटिंग बल्लेबाजी के साथ साथ एक बेहतरीन विकेट कीपर भी माने जाते हैं। तो एक विकेट कीपर बैट्समैन है जितेश शर्मा, जहां इससे पहले आईपीएल में ये पंजाब किंग्स की तरफ से खेल चुके हैं और ओवरऑल टोटल 12 आईपीएल मुकाबले इन्होंने खेले, जिसमें से 10 मैचों में इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, जिसमें टोटल 234 रन बनाए। लगभग 30 का औसत है, 163.64 का इनका जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। अब जितेश शर्मा दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले के सिलेक्शन के लिए अवेलेबल और उपलब्ध हो चुके हैं, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में मोस्ट लाइकली संजू सैमसन की जगह पर राहुल त्रिपाठी को खिलाया जा सकता है, जहां राहुल त्रिपाठी को पहले टी20 मुकाबले में मौका नहीं मिला था। अब संजू सैमसन पहले टी20 मुकाबले में खेले थे, जहां बाउंड्री पर ये फील्डिंग करने के वक्त इंजर्ड हो गए थे। इनके बाएं पैर के घुटने में चोट लगी थी, जिसकी वजह से इन्हें मुंबई में ही रोक लिया गया था। जहां भारतीय टीम पुणे के लिए रवाना हुई थी, तो संजू सैमसन मुंबई में ही मौजूद थे स्कैन करवाने के लिए। अब इनका स्कैन हुआ था, उसके बाद रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि संजू सैमसन को अभी थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, और इसकी वजह से संजू सैमसन को टीम से रिलीज यानी कि बाहर कर दिया गया है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जहां इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज ही खेला जाएगा, यानी कि 5 जनवरी को।